हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई के 14th एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया है यार, पॉलीमर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोनोमर से बनता है पॉलीमर, मतलब बहुत सारे मोनोमर जोड़ के बनते हैं पॉलीमर। और यहाँ पर मैंने एक होता है मोनोमर का नाम, एक होता है मोनोमर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने सारे नेम वाले ले लिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई में, कई बार आए हैं, हर साल आते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉलीमर का मोनोमर कौन सा है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए इस तरीके से लिए ताकि आपको मैं याद भी करा दूं बड़े बढ़िया से, सही से मैंने थोड़ा अच्छे से लिया है। यहाँ पर आप देखो, समझने की कोशिश करो कि मान लो, मतलब जैसे मैं करा रहा हूँ ना एग्जैक्टली वैसे ही आप याद करना, अभी के अभी आपको सब चीज़ रट जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन किस से बना है? इथीन से बना है। पॉली इथीन, पॉली मतलब क्या? एक से ज्यादा। तो बहुत, एक से ज्यादा इथीन यूज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पॉलीथीन। तो इथीन क्या हो गया? मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। अब सोचो यार, अब सोचो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या हो रहा है? विनाइल क्लोराइड का पॉली मतलब एक से ज्यादा विनाइल क्लोराइड अगर यूज करेंगे हम लोग तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन को जब बहुत बार यूज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पॉलीस्टाइरीन। तो इसका जो मोनोमर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टाइरीन, ठीक है। पॉलीप्रोपीन, जो प्रोपीन को बहुत बार यूज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन को जब बहुत बार यूज करेंगे तो मिलेगा पॉलीप्रोपीन। तो ये हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा इसका मोनोमर, ठीक है। इस तरीके से टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, अब ये तो बेसिक हो गए कुछ, अब धीरे धीरे ना थोड़ा लेवल बढ़ता है। टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। नाम से समझो, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। अब ये जो नियोप्रीन है ये आता है क्लोरोप्रीन से, ठीक है। नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से। जो नाइलॉन 66 है, जो डेक्रॉन है, नाइलॉन 6 किससे बनता है? केप्रोलेक्टम से, केप्रोलेक्टम से। समझो इस चीज को, ये यूनिक वाले याद रखो, ये सब एग्जाम में आते हैं। केप्रोलेक्टम, फिर नाइलॉन 66, बुनाएन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोप्रीन वापस से आ गया, क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब यहां पे देखो यार, ब्यूनाएन, समझो इस चीज को, ब्यूनाएन, इन दोनों में क्या आ रहा है? ब्यूना वर्ड आ रहा है। तो ब्यूना से क्या आता है? ब्यूटा 1,3-डाइईन प्लस, यहां पर भी ब्यूटा 1,3-डाइईन प्लस एस से आता है स्टाइरीन, एन से आता है एक्रोनाइट्राइल। इस तरीके से आप याद करो, ठीक है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, इन दोनों को आप एक साथ याद रखो। फिर बेकलाइट थोड़ा सा अलग है। बेकलाइट क्या होता है? एक होता है फेनॉल, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। इस तरीके से आप याद करो। यहां पर जो नाइलॉन 66 होता है, याद रखो इसको, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। ये भी सेम हो गया नाइलॉन 66। ये जो ग्लिप्टल होता है ना, ये ग्लिप्टल जो होता है ना, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, ठीक है। और ये जो टेरिलीन और डेक्रॉन होता है ना, ये दोनों सेम होते हैं, ये सेम ही है बेसिकली, नाम अलग अलग है। ये होता है हमारे पास में इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टर्थैलिक एसिड, ये भी सेम निकल के आता है डेक्रॉन के लिए, ठीक है। लगभग सारे हो गए। कैसे याद करते हैं वापस देख लो, ये जो पॉलीस्टाइरीन होता है तो स्टाइरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, इथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन प्रोपीन हो गया, नियोप्रीन का होता है क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन का होता है क्लोरोप्रीन। बूना जहां जहां आ जाए, बूना के लिए आता है ब्यूटा 1,3-डाइईन, एस जुड़ जाए तो स्टाइरीन जुड़ जाता है, और एन जुड़ जाता है एक्रोनाइट्राइल जुड़ जाता है। नाइलॉन 6 थोड़ा सा यूनिक है, केप्रोलेक्टम कई बार जेई में आया है, और उसके बाद में टेफ्लॉन होता है सिंपल सा टेट्राफ्लोरोइथीन। टेरिलीन और डेक्रॉन सेम नाम है, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है नाम से देखो, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टर्थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस, मतलब नाम से ना रिलेटेड हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टर्थैलिक एसिड। और यहां पर थैलिक एसिड होता है, टर्थैलिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ होगा, ठीक है। एक बार याद करा दूं, पॉलीथीन इथीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन हो जाएगा, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन हो जाएगा, फिर क्या बोलूं, डेक्रॉन इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टर्थैलिक एसिड,
फिर उसी का भाई कौन सा था, उसी का भाई था टेरिलीन, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टर्थालिक एसिड, ब्यूना एन का क्या हो जाएगा, ब्यूना के लिए आ जाएगा ब्यूटा वन थ्री डाइन, प्लस एन के लिए आ जाएगा एक्रोनाइट्राइल, ब्यूना एस के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटा वन थ्री डाइन, प्लस एस के लिए क्या आ जाएगा स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन क्या हो जाएगा स्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सब याद कर सकते हो। नाइलॉन सिक्स का क्या हो जाएगा यूनिक है कैप्रोलेक्टम, ठीक है समझ रहे हो ना। नियोप्रीन का क्या हो जाएगा क्लोरोप्रीन, बस इजी है यार, बस हो गया, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा, आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।